जनरेशन ऑफ डीपीएस के सिग्नल। सबसे पहली बात है डीपीएस के, जो कि डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कींग होता है। डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कींग एक नॉन कोहेरेंट वर्जन होता है फेज शिफ्ट कींग का। डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कींग यानी डीपीएस के एक डिफरेंशियली कोहेरेंट मॉड्यूलेशन मेथड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डीपीएस के में जो भी सिंक्रोनस कैरियर है डी मॉड्यूलेटर पे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सिंक्रोनस कैरियर की डी मॉड्यूलेटर पे डीपीएसके में कोई जरूरत नहीं होती। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो डीपीएसके में इनपुट सिग्नल होता है वो जीरो और वन की फॉर्म में होगा, यानी बाइनरी फॉर्म में होगा। और जो भी हमारे फेस सिंक्रोनाइजेशन होती है जो कोहेरेंट रिसीवर पीएसके के साथ, उसको एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंशियल एनकोडिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। पीएसके के साथ डिजिटल इंफॉर्मेशन जो कि बाइनरी डाटा होगा, जो एनकोडर की इनपुट पे जाएगा, बी जो कि बाइनरी डाटा होगा। जैसे कि हम जानते हैं जो बाइनरी डाटा होगा या तो वो जीरो हो सकता है या वो वन हो सकता है। डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनकोडर की इनपुट पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये सिग्नल ट्रांजिशन करेगा। सिग्नल ट्रांजिशन कैसे होगा कि जो इनपुट होगी वो जीरो और वन की फॉर्म में होगी, या तो सिंबल जीरो या सिंबल वन। अगर सिंबल जीरो है तो उस टाइम में जो बाइनरी सीक्वेंस है उसमें ट्रांजिशन होगा, ये जो प्रीवियस एनकोडेड बिट है उसके रिस्पेक्ट में होगा कि प्रीवियस बिट क्या है उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रांजिशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिशन नहीं होगा। और अगर सिंबल वन है तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो एक नया हमारे पास एक टेक्निक आएगी, सिग्नलिंग टेक्निक आएगी डिफरेंशियल एनकोडिंग में फेज शिफ्ट कींग के साथ, और उसे ही डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कींग कहा जाता है। अब देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर सिंबल जीरो है तो ट्रांजिशन होगी बाइनरी सीक्वेंस में, अगर इनपुट पे सिंबल वन है तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी। तो अब हम इसमें जनरेशन देखेंगे कि क्या होगी। इसके जनरेशन डीपीएस के सिग्नल में बी टी यानी या फिर बी के जो कि एनकोडर की इनपुट पे जा रही है, ये अप्लाई होगी एनकोडर की इनपुट पे। जो भी एनकोडर की आउटपुट होगी जो कि होगी डी के जो कि डिफरेंशियली एनकोडेड डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ट्रांजिशन के बाद जो डाटा आएगा उसे रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें क्या है कि ये जो आउटपुट आई है एनकोडर की डी के, ये प्रोवाइड की जाएगी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे प्रोवाइड करके जो हमारी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे ही एक सिंक्रोनस या सिंक्रोनस कहूं या फिर साइनोसोइडल कैरियर, एक फिक्स एम्पलीट्यूड की साइनोसोइडल कैरियर, एक फ्रीक्वेंसी जो कि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे अप्लाई की जाएगी, जो कि AC cos 2 पाई FCT होगी। और इसके अलावा जो एनकोडर की आउटपुट आई है डी के, ये सिर्फ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की इनपुट ही नहीं है, इस यहाँ पे एक और सर्किट होता है जो कि होता है द डिले, जिसे TB जो कि एक बिट का डिले देता है, उस पे प्रोवाइड किया जाएगा और फिर उसे एनकोडर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसके रिलेशनशिप हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। हमने एक पर्टिकुलर बाइनरी सीक्वेंस ली है। अब देखिए डिले के बाद जो आउटपुट आएगी वो आएगी DK-1, ठीक है, एक बिट के डिले। अब हमने एक चार्ट लिया है, हमने बी के सीक्वेंस ली है, बाइनरी डाटा बी के या फिर यहाँ बी टी भी ले सकते हैं, बी के या बी टी हमने सीक्वेंस ली है इनपुट पे, जो कि है 00100010011। ये हमारी बाइनरी डाटा की सीक्वेंस है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर सिंबल जीरो है इनपुट पे तो ट्रांजिशन होगी बाइनरी सीक्वेंस में, और लेकिन अगर सिंबल वन है इसका मतलब है कि कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रही है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये डिपेंड करेगी प्रीवियस बिट पे भी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम डिफरेंशियली एनकोडेड डाटा देखते हैं कि क्या है। हमने एज्यूम किया है
डिफरेंशियली एनकोडेड डाटा कौन सा होगा जो कि एनकोडर के बाद आएगा, यानी डी के डाटा। यहाँ पे जो डाटा आएगा ये डिफरेंशियली एनकोडेड डाटा आएगा, और बाइनरी जो सीक्वेंस है वो हमने एनकोडर पे इनपुट पे यहाँ से प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे डाटा जो डिफरेंशियली एनकोडेड डाटा आया है वो ये आया है। ये कैसे आया है अब हम ये देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वन है, इसके आगे ऊपर स्टार इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई प्रीवियस बिट नहीं शो की गई है, तो इसलिए यहाँ पे वन है, ये जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। अब देखिए कि ये जो है, मैंने कहा कि यहाँ वन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो के केस में ये थोड़ा अलग होगा, लेकिन वन है तो हम इस तरह से ही चलेंगे जैसे कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने क्या कहा था कि अगर सिंबल बिट जीरो है तो बाइनरी सीक्वेंस में ट्रांजिशन होगा, और अगर वन है तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांजिशन होगा लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट बिट है जीरो, तो यहाँ ये हमारी नेक्स्ट बिट जो है जीरो वाली, ये पुरानी भी जीरो थी और अब जो आई है ये भी जीरो है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर यहाँ वन होता तब यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाता, तो जीरो है तो एज इट इज जीरो। अब यहाँ पे जीरो आया है तो जीरो में क्या है, नेक्स्ट वन आई है, तो ये वाली जो मैंने क्या कहा था कि प्रीवियस बिट्स पे डिपेंड करती है, तो क्या है ये जीरो है तो यहाँ पे वन ट्रांजिशन होगा क्योंकि नेक्स्ट बिट जो है वो वन है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रांजिशन आया है। अब देखिए वन है, वन का मतलब है कि कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। अगर कोई भी ट्रांजिशन नहीं है तो डिफरेंशियल एनकोडर डाटा होगा वो वन का एज इट इज वन ही आएगा। अब नेक्स्ट जीरो है, अब जीरो पे यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नेक्स्ट बिट भी जीरो ही है जो से नेक्स्ट आएगी, तो प्रीवियस ये जो जीरो है तो डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा भी जीरो ही रहेगा। अब ये है नेक्स्ट जीरो आई है तो यहाँ पे ट्रांजिशन है, जीरो का वन हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली बिट वन है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ ट्रांजिशन हुआ। और यहाँ पे वन पे कोई ट्रांजिशन नहीं आया, कोई ट्रांजिशन क्योंकि वन में कोई भी ट्रांजिशन नहीं आता है, वन एज इट इज होती है, तो वन का एज इट इज वन आ गया। फिर जीरो जीरो, जीरो का गेन यहाँ पे जीरो आ गया, फिर जीरो है तो वन आ गया क्योंकि ये वाली वन बिट है। अगर देखिए मान लीजिए कि ये बिट हमारी जीरो है, अगर यहाँ पे वन आती तो ये वन हो जाती, ठीक है ना, डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा बिट ये वन होती, तो यहाँ पे जीरो है तो जीरो क्योंकि ये वाली बिट जीरो है, तो इसी वजह से इसमें ट्रांजिशन आएगा क्योंकि ये वन है, तो यहाँ पे जीरो का वन हो गया। अब वन है तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं आएगा एज इट इज, और वन है फिर से कोई ट्रांजिशन नहीं आएगा एज इट इज आएगा, और ये ही डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा सीक्वेंस हमारी आती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फेस ऑफ डी पी एस के, कि फेस कहाँ पे चेंज हो रहा है। देखिए फेस कहाँ चेंज हो रहा है, ये जीरो है तो यहाँ पे भी सेम जीरो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा फेस होगा वो पाई होगा। ये वन है तो जीरो, वन है तो जीरो क्योंकि यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे फेस चेंज होगा पाई, इसको पाई लिखेंगे। ये जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो है तो फेस चेंज होगा पाई, यहाँ पे जीरो 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 क्योंकि यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे फेस चेंज शो कर रहा है तो वहां पे हम पाई लिखेंगे। ये फेस शो करेगा डीपीएस के सिग्नल का। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट है, जो शिफ्ट होगा डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा में, यानी कि जो डिले होगा, जो डिले क्या है, डी के माइनस वन यही होगा, तो डिले में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ एक बिट का डिले आएगा, डिले कैसे है, ये जो हमारे डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा है इसमें शिफ्ट होगा, शिफ्ट डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा मतलब कि डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा को शिफ्ट कर दें, तो ये वन यहाँ पे आ जाएगा, एक शिफ्ट आ जाएगा, जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन, ये शिफ्ट आ गया है, एक एक बिट का शिफ्ट आ जाना। तो नेक्स्ट है फेस ऑफ शिफ्ट डीपीएसके, जो फेस ऑफ शिफ्ट होगा डीपीएसके का वो क्या होगा। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा शिफ्ट आया है डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा में, उसका फेस जो होगा शिफ्ट डिफरेंशियल एनकोडेड डाटा का वो क्या होगा। अब वन है तो कोई फेस चेंज नहीं है, जीरो पे फेस चेंज होगा पाई, जैसे हमने इसमें किया था सेम एज इट इज,
कोई यहाँ पे भी वन वन है तो कोई फेस चेंज नहीं, जीरो है तो फेस चेंज यानी पाई, जीरो जीरो पाई जीरो जीरो, ठीक है, यहाँ पे फेस चेंज शो कर रहे हैं। अब ये हमारे फेस चेंज आ गए। अब देखिए कि जो भी हमारे जो फेस कंपैरिजन करेंगे, फेस कंपैरिजन जो दोनों फेस हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, इन दोनों का कंपैरिजन, ठीक है, करेंगे। अब अगर यहाँ पे पाई है और ये जीरो है, यानी कि अगर हम इन्हें कंपैरिजन करें तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये नेगेटिव में आएगा। जीरो और पाई दोनों अलग अलग है, यहाँ जीरो है या पाई है तो दो नेगेटिव में आएगा, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है यानी सेम, यानी पॉजिटिव में आएगा। फेस कंपैरिजन कर रहे हैं यानी अलग फेस में है, ये भी अलग फेस में है, ये सेम फेस में है यानी पॉजिटिव। ये पाई और जीरो नेगेटिव, जीरो और पाई नेगेटिव, जीरो जीरो पॉजिटिव, पाई जीरो नेगेटिव, जीरो पाई नेगेटिव, जीरो जीरो पॉजिटिव, जीरो जीरो पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अगर सेम फेस के हैं तो पॉजिटिव, डिफरेंट फेस के हैं तो नेगेटिव, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। अब जो लास्ट है, जो हमारी डिटेक्टेड बाइनरी सीक्वेंस है, जो डिटेक्ट हुई है वो कौन सी सीक्वेंस है, वो कहां से पता लगेगा, यहां से पता लगेगा, जो भी हमने फेस कंपैरिजन किया है, अगर नेगेटिव है तो जीरो आएगा, अगर पॉजिटिव है तो वन आएगा, तो जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन वन। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस आई है, ये हमारी लास्ट सीक्वेंस है, यानी कि जो हमने डिटेक्ट की है बाइनरी सीक्वेंस, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा जनरेशन होता है डीपीएसके का, यानी डीपीएसके जो जनरेट हुई है सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस है। ये कौन से सीक्वेंस है, ये वही सीक्वेंस है जो बाइनरी डाटा है हमारा। अब देखिए कि एक और चीज की मैंने कहा था कि वन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो ये जीरो भी हो सकता है और ये वन भी हो सकता है। ये हमारी आर्बिट्री स्टार्टिंग रेफरेंस बिट होती है, इसको हम स्टार्टिंग रेफरेंस बिट लेते हैं, जिसको हम रेफरेंस लेते हैं, तो इसको हमने एज अ रेफरेंस लिया है। जीरो भी हो सकते हैं और वन भी हो सकती है, तो जीरो के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सारा सिस्टम सेम होता है। तो यही हमारे डीपीएस के जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।